हिंडनबर्ग के भवर में फंसा अंडानी समूह अब अपने डैमेज कंट्रोल में जुटा है। दरअसल सूत्रों ने बताया है कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के दावों को खारिज करने के लिए कंपनी ने स्वतंत्र कंपनी से ऑडिट के लिए बड़ी अकाउंटेंसी फर्म ग्रांट थॉर्नटन को हायर किया है। माना जा रहा है कि इस जांच से अडानी निवेशकों के भरोसे को फिर से हासिल करना चाहते हैं, वहीं बड़े निवेशकों के विश्वास को और मजबूत करना चाहते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अकाउंटेंसी फर्म ग्रांट थॉर्नटन अडानी समूह की कुछ कंपनियों का स्वतंत्र ऑडिट करेगी। कंपनी ने इस हायरिंग फर्म को गोपनीय रखा है। अकाउंटेंसी फर्म अडानी समूह की कुछ कंपनियों के ऑडिट के साथ ये देखेगा कि ग्रुप में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड का पालन करते हुए किया गया कि नहीं। सूत्रों ने कहा कि ऑडिट मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक जैसे नियामकों को ये दिखाने के लिए है कि समूह कुछ भी नहीं छिपा रहा है और संबंधित कानूनों का अनुपालन कर रहा है। ऑडिट में विशेष रूप से इस बात की जाँच की जाएगी कि क्या धन का कोई दुरुपयोग या ऋणों का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया। ऑडिट से ये दिखाने में काफी मदद मिलेगी कि बही खाता सही ढंग से मेंटेन किया गया है और परियोजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हुआ है। हालांकि ये बता दें कि इस खबर को लेकर ना तो अडानी समूह की ओर से कुछ कहा गया है और ना ही ग्रांट थॉर्नटन की ओर से कहा गया है। वहीं अपने शेयरों में जारी उतार चढ़ाव के बीच अडानी समूह ने यह कहते हुए बाजार को आश्वस्त करने का प्रयास किया था कि उसकी विस्तार योजनाएं बरकरार हैं, व्यापार योजनाएं पूरी तरह से वित्त पोषक हैं और समूह शेयर धारकों को रिटर्न देने के प्रति आश्वस्त हैं। गौरतलब है कि अडानी समूह पर हिंडनबर्ग ने गंभीर आरोप लगाए थे। कंपनी के शेयरों में ओवर प्राइसिंग, अकाउंट में हेरफेर जैसे गंभीर आरोप लगे थे। अब अडानी समूह इस रिपोर्ट के कारण हुए नुकसान से निपटने की तैयारी कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।